और दिखे यहाँ पर, ये कार निकाली गई है बूढ़े दरिया से। बूढ़े दरिया का पानी जो बीच में गंद वंद था, सब बरसात के पानी के साथ बह गया है। थोड़ा सा लगा दे ऊपर को आके, लगता है कि नहीं? इधर लगता है, आजा थोड़ा सा, तू भी ऊपर आ जा। और देखिए खूबसूरत नज़ारा शाम का, ये देखिए उस समय गोधूली बोलते हैं, जब शाम को अंधेरा होने वाला होता है तो बादलों की तरफ भी दिखाओ, कितने सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं ऊपर। लगाओ जरा आकाश में है। और देखिए जब गाड़ियाँ आ जा रही हैं, घर को जा रहे हैं लोग। और देखिए बरसात का मौसम भी बन रहा है, और बरसातों का सीजन है। जब बरसात होती है झमझम, तो लोग जो साथ में रहते हैं बूढ़े दरिया के, उनको सारा दिल धड़कने लग जाता है, ना जाने कब गंदा पानी क्यों घरों में घुस जाएगा। और देखिए जैसी भी मशीन तैयार खड़ी है, वो देखिए हमेशा तैयार रहती है वो सफाई करने के लिए। जब भी कोई कूड़ा करकट इसमें आता है तो वो फटाफट साफ कर देते हैं। ये देखिए बूढ़ा दरिया है, और देखिए इसमें जाना झील में लगाइए जरा, बूढ़े दरिया की झील में लगाओ, कितना सुंदर जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, लाल लाल जो पानी दिखाई दे रहा है इस समय। तो हमें किसी ने बताया था कि जहाँ चार दीवारी हो रही है जगह पर, तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो थोड़ा सा दिखाओ ये जो कुछ चल रहा है जहाँ पे, ये अभी नगर निगम का प्रोजेक्ट ही है यहाँ पर। तो बाकी जो कुछ उसने मेरे को बताया था वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए जहाँ पर इस समय हम दिखा रहे हैं आपको, उधर भी देखो जो लोग मोहल्ले वाले हैं गली वाले वो भी देख रहे हैं उधर। भैया देखो इधर से हम गुजर के आए हैं, थोड़ा सी कीचड़ भी दिखाओ जरा, घोड़ा भी दिखाओ, वो घोड़ा है सामने। और देखिए गंदी बस्ती के, और जो नगर निगम हमारा हिंदुस्तान, वोट देने वाले लोग, इलेक्शन आने वाले हैं 22 वाले। और थोड़ी सी गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी दिखा दे यार, दिखा दे थोड़ी थोड़ी गाड़ी वगैरह भी, थोड़ा सा लगता है अच्छा सीन लगता है। और देखिए ये दरा के किनारे पर थोड़ा सा जो रास्ता बनाया गया, एक तरफ ही बनाया जाए आने जाने के लिए रास्ता, जिस साइड पर हम खड़े हैं जहाँ पर अभी कोई रास्ता नहीं बना है, एक ही तरफ इन्होंने बनाया था। अभी इधर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है जिस जगह पर हम खड़े हैं। तो देखिए हम अब आपको दिखा रहे थे कि ये लुधियाना शहर है, उसका बूढ़ा दरिया है, बूढ़ा दरिया में जो पानी है अभी थोड़ा सा नीचे है, जब पानी इसका ओवरफ्लो होगा बरसात होगी तब भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी जो हमें सूचना मिली थी कि जहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का जो है ये जो कुआ वगैरह जो बना रहे हैं, जहाँ पर जो कोई डिस्पोजल का कोई सिस्टम है इनका, वो दो कुत्ते बैठे हैं वो भी दिखा दो, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और देखिए वो भी आराम फरमा रहे हैं जहाँ पर। और ऊपर भी देखो ये रेलवे लाइन भी दिखा दो, कितना अच्छा सुहावना मौसम है यार, हैं मज़ा आ जाता है ऐसी बस्ती में रहकर। इधर भी दिखाया जा, हरियाली भी दिखा थोड़ी सी, देखिए जहाँ पर कितनी खूबसूरत है। ये ट्यूबवेल लगा है सरकारी, ये सरकारी ट्यूबवेल है, जहाँ पर बूढ़ा दरिया भी नज़दीक है इसके, और ये ट्यूबवेल वाला बूढ़ा दरिया वाला पानी दोनों मिक्स हो गए, लोग पीते हैं बड़े मज़े से, जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप अखबारों में पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं कि न्यू कुंदनपुरी का जो एरिया है डूब गया है, उसके बाढ़ से बचाने के लिए नगर निगम ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं, फ्लड कंट्रोल रूम बना दिया है, रेती की बोरियां भर के रख ली हैं। अभी देखिए हमने बूढ़ा दरिया दिखाया, जब ये ओवरफ्लो होगा, जब बरसात होगी, जब इसमें क्या होगा तब हम दिखाएंगे, उससे पहले का हमने सीन दिखा दिया है। और जो इनके जो बूढ़े दरिया पर जो ये जगह हैं गवर्नमेंट की, इस पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो डिस्पोजल का कोई सिस्टम है वो भी चल रहा है। तो अभी हम आपने को दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बूढ़े दरिया के किनारे पर, और देखिए जहाँ पर रेलवे लाइन है, बूढ़ा दरिया है, और जो लोग जो बस्ती वाले हैं इधर भी दिखा दे, बस्ती वाले भी थोड़ा सा और दिखा दीजिए, और जो बस्ती वाले जहाँ रहते हैं, ये लुधियाना शहर है। और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जब जब भी हम आपको कुछ दिखाते हैं लुधियाना शहर का, तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी कूड़े का ढेर पर चढ़कर कुछ दिखा सकते हैं जो कुछ आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।